सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में, वार्डेस ब्लॉग में। तो आज 15 जून है और मैं निकल रहा हूँ लद्दाख के लिए, और वो भी सोलो राइड। सो मेरा पूरा बाइक पे ये सेटअप हो गया है, और अभी बजा है, टाइम हुआ है 11 बजे, और मैं इधर से निकलूँगा तो पालनपुर होके निकलने वाला हूँ। पालनपुर होके सीधा जोधपुर जाऊँगा, और जोधपुर मेरा पहला स्टे होगा। सो देखते हैं आज पूरा राइड, और देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। सो ये पूरा ये कंप्लीट हो गया है मेरा, यहाँ पर बहुत ही कम सामान लिया है, फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बट अभी क्या करें, जितना लेना चाहिए उतना तो लेना ही चाहिए क्या, इसलिए। तो इस तरह से मैंने पूरा इधर कम्प्लीटली फिट किया है, और बहुत ही कंफर्टेबल है मेरे को यहाँ पर बैठने में, और मैंने ट्राई कर लिया है बैठ के। सो बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से बनासकांठा टू लद्दाख। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये सब लोग मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोलने आए, और सबको मैं अभी से थैंक यू बोल देता हूँ, और प्लीज़ वीडियो शेयर करते रहना। और कुछ बेस्ट ऑफ लक बंदे। रेडी देखा है, चलो जय माता जी। चलो अमित भाई मरिए, व्हाट्सएप में आवश्यक, इंस्टा में आवश्यक, अपडेट आती रहते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लगाई दिए, थैंक यू। हाँ संभल के जाएंगे हम। रुकेंगे सब लोग, और यहाँ से हम सीधे निकलेंगे। ओ माय गॉड, ये देखो पीछे क्या हो गया, दो बंदे गिर गए। यार वो दोनों गिर गए हैं, मेरे को वहां जाना है, और यहाँ पर
स्टैंड ही नहीं हो रहा बाइक। पकड़ के सूदियो रे तू नहीं का क्यों नहीं बने है कौन हो तू जमीन आ जा तू वजन ऊपर मारना है तुझे बोला सूदियो मार भाई बोलो आरन भाई जल्दी अंदर रूम ले ले फ्रेंड्स की जो दो लोग गिरे थे वो शायद मस्ती कर रहे थे और गिर गए, तो उनको ऐसा कुछ ज़्यादा लगा नहीं है, बट हाँ गिर गए थे। और अभी मैं निकल चुका हूँ डीसा से पालनपुर जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे और वहाँ से कैब लूँगा और वहाँ से जाऊँगा सर्विस स्टेशन, और सर्विस स्टेशन से मेरे को बैक साइड की ब्रेक प्लेट डलवानी है। तो वहाँ से फिर ब्रेक प्लेट डलवा के और मैं सीधा निकल जाऊँगा जोधपुर के लिए। तो मिलते हैं रास्ते में। अभी मैं पालनपुर पहुंच गया हूं और ये यहाँ अभी भी अच्छे से पानी है मिलने लगा है मेरे को। बस मैं वेट कर रहा हूँ ये थोड़ा ट्रक चले जाए तो मेरे को पाँव नीचे नहीं रखने पड़े। और अपना एडवेंचर यहीं से स्टार्ट हो गया है। फिर पालनपुर अभी मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को जो पीछे का रियर टायर है उसमें मेरे को ब्रेक प्लेट चेंज करवाने हैं। उन्होंने बोला था कि अभी ले जाओ और इतने मतलब मैंने सर्विस करवाने के बाद मैंने 200 किलोमीटर चला रही हूँ, 200 किलोमीटर में जितना चलेगा उतना चलेगा, बाकी चेंज कर लेना बाद में। तो मैंने बोला ठीक है चलो निकलते समय उधर होके ही निकलूँगा तो एक बार बाइक पर नज़र भी हो जाएगी और ब्रेक प्लेट भी चेंज हो जाएगी। सो मिलते हैं वहाँ पर सर्विस स्टेशन में। सो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गया हूं पालनपुर और सर्विस स्टेशन पे। मेरे को ब्रेक प्लेट चेंज करने थे तो वो हमारे इलियास भाई चेंज कर रहे हैं। इलियास भाई बाइक कैसा तैयार किया मैंने? बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया है ना, तो ठीक है। फिर जीतू भाई तुम्हारे क्या हुआ, हिंदी में क्या हुआ तो बोलो। ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बाकी ये रहा बाइक अपना और अभी ब्रेक प्लेट डाल देंगे। खास एवं मैंने कितने कितने मुझे बताओ गया। ये लग गया अपनी। बस अभी यहाँ से निकलूँगा सीधा जोधपुर के लिए और देखता हूँ अगर बीच में रुका तो ठीक है, नहीं तो सीधा जोधपुर रुकूँगा। सो अभी मैं राजस्थान पहुँचने आया हूँ और अभी जो ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो है अपना जो इकबालगढ़ बोलते ना, इकबालगढ़ है वो अभी गुजरात में ही है, बट ये गुजरात के पहाड़ है और उसके पीछे आपको शायद दिख रहे नहीं दिख रहे, आई डोंट नो क्योंकि कैमरा इतना विज़न नहीं ले पा रहा होगा।
सो मैं राजस्थान 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सामने देखो कितना मस्त मौसम है और हवाएं चल रही है और ये माउंट आबू जो है उसका ये पहाड़ है, इसके ऊपर पूरी सिटी है माउंट आबू। ये पूरा जो आपको दिख रहा है सामने, इसके ऊपर ये पूरा, ये जो सामने दिख रहा है वहाँ पर, तो ये माउंट आबू है। सिंपल सी वैसे मैं बताए तो ये माउंट आबू है। माउंट आबू जाने का रास्ता पीछे है और एक आगे भी आता है यहाँ से, तो कभी भी आप आते हो तो यहाँ से जा सकते हो। ये देखो ये लिखा है माउंट आबू इस तरफ से, मतलब यहाँ पे एक कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ते से होके एक हाईवे चलता है, ये जो सर्विस रोड जा रहा है उधर से, तो यहाँ से सीधा माउंट आबू चढ़ने का जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचा देगा आपको। अभी कोई अच्छी सी होटल देख के हम वहाँ रुकेंगे और चाय पानी करेंगे, फिर निकल जाएंगे वापस। सिटीजन होटल करके राजस्थान के अंदर में समथिंग सुबेरपुर के पास, तो बस अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलता हूँ वापस। सो अभी फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ फ्योरी, जहाँ रुका था वहाँ से, और अभी मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी से जोधपुर पहुँच जाऊँ ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि जो तूफान चल रहा है उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो वो चल रहा है, तो वो अभी बनासकांडा पर पहुंच गया है, बनासकांडा तक उसकी असर आने लगी है, तो यहाँ पर भी हो सकता है बादल आ चुके हैं तो बारिश कहीं मेरे को रास्ते में परेशान करे, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा चल लेता हूँ। अभी 100 किलोमीटर पर रुकूंगा नहीं रुकूंगा पता नहीं है, देखते हैं जैसा सिचुएशन वैसे देखेंगे। सो अभी मैं निकल चुका हूँ सीधे जोधपुर के लिए। तो हवा बहुत ही ज़्यादा है और जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी बाइक थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो रही है, तो मैं बहुत ही स्लो ही जाऊंगा, 70-80-90 ज़्यादा तेज नहीं करूंगा। तो चलते हैं हम इतनी सेम राइड में और मिलते हैं जोधपुर। सो एक राजस्थान की ये टनल आई है जो पहाड़ के बीच में हॉल करके बनाई गई है, सो देखते हैं इसके अंदर कैसा व्यू रहता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर से, तो मतलब ये देखो पूरा ये दो टनल बनाई है और शायद उस टनल में अभी काम चल रहा है, तो यहीं पे दोनों ही काम, मतलब दोनों ही का इधर चल रहा है। तो मेरे को अभी ये भाई से लगा दिख नहीं रहा है, हाँ तो अभी तो ये टनल है पूरा, समथिंग ज़्यादा तो नहीं है, सब 100-150 मीटर समथिंग है और बहुत अच्छी है, अंदर लाइटिंग वाइटिंग की ये सब बढ़ती हुई है। कुछ है आगे देखने के लिए, अभी तो शुरुआत है और मेरा फर्स्ट डे है
और मैं आज टारगेट कर रहा हूँ टोटल किलोमीटर्स 350 to 400, क्योंकि मैं दोपहर को निकला था। अभी कल का टारगेट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, मतलब कल सुबह देखेंगे, मतलब शाम को ही बता दूंगा जो शॉर्ट्स में। तो देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तभी मेरे को हिम्मत रहेगी कि मैं आगे इतना बढ़ूँ, और आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे आऊँगा ना। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। सो मौसम इतना मस्त लग रहा है, देखो बादलों में से जैसे धूप की किरणें निकल रही है, तो कितना मस्त लग रहा है। शायद कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बाकी मेरे को बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर से लाइट जैसे बादलों को चीर के जो सूरज की किरणें आ रही है ना, बहुत ही मस्त लग रही है। और अभी जोधपुर 60 किलोमीटर रह गया है, समथिंग 45 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। जोधपुर मतलब 35 किलोमीटर दूर रहा है, और मैं रुका था सिर्फ पानी पीने के लिए, और रुका हूँ यहाँ पर आसपास में, ऐसे बस हवा आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे से कुछ वॉइस आ रही थी, बट ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब ऐसे ही फिक्स पड़ा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पानी पी लिए और अभी निकलते वापस और मामा के घर पहुँचते पहले। अभी नहीं घूमा, अभी निकला हूँ, गुजरात से निकला हूँ। अभी जोधपुर नाइट रुकूंगा, उसके बाद निकलूंगा श्रीनगर के लिए जम्मू कल सुबह मॉर्निंग में। हाँ, जोधपुर में मेरे मामा का घर है, ननियाल है मेरा। हाँ भुटुआरा आपका आएगा, इसमें देख लेना आप। चलो मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने ननियाल में ही हूँ और मैंने खाना वगैरह सब खा लिया है, और अभी बस रेस्ट करूँगा। 12 बज गए और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकलना है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तो क्योंकि पूरा लद्दाख का सीन आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी ये आकाश भैया है, ये हितू है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अभी रात के 12 बजे और दोनों के 12 बजे हुए, सबको सोना है और मैं परेशान कर रहा हूँ यहाँ, तो मैं भी सोता हूँ और आप भी सो जाओ।